सरायकेला जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न दलों को छोड़कर कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुए शामिल। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल में उथल पुथल बढ़ने लगी है। वहीं इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला के महुल डी कार्यालय में जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो की अध्यक्षता में एक सभा रखी गई, जिसमें देवानंद महतो के नेतृत्व में सैकड़ों विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, जिनका स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी मूलवासी को लूटने का काम कर रही है, कंपनियों को बंद करवाकर बेरोजगारी बढ़ा दी है, लेकिन जनता उनके 5 साल के कार्यकाल को भलीभांति जान चुकी है, जिसका विधानसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। न्यूज लेंस के लिए सरायकेला से रविकांत गोप की रिपोर्ट। यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का खुटकट्टी के जनता समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी उनका नीति और नियत क्या है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद कम से कम 19 साल हो गया, 19 साल में 16.5 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में राज किया। आज ये 16.5 साल में झारखंड के मूलवासी आदिवासी का विपरीत में स्थानीय नीति परिभाषित किया, जो व्यवहारिक हम लोग देखा कि कोई भी नियोजन हो रहा है 90% से भी ज़्यादा झारखंड प्रदेश से बाहर का ही नियोजन हो रहा है। झारखंड का मूलवासी आदिवासी तो कहीं परसेंटेज भी नहीं आ रहा है नियोजन में, और ये पूरा गांव, पूरा हर जगह ये फैल गया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का खुटखटी लोगों के लिए नहीं है, आज सिर्फ ठाकने का काम किया है, जुमलाबाजी काम किया है। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है